प्राचीन समय की बात है, मेंग पर्वत पर कछुओं का बलि चढ़ाने के लिए ताई हावो अपने आदमियों का नेतृत्व कर रहे थे, जिनकी कुल देवता के रूप में पूजा की जाती थी, और उनके वंशजों ने जुनायु साम्राज्य की स्थापना की। जुनायु शब्द का मतलब था बलि चढ़ाना। उस वक्त की बात है जब पश्चिमी झाऊ राजवंश के महाराज चेंग द्वारा जुनायु के महाराज को जुनायु के महाराज की उपाधि दी गई, जिनका काम था मेंग पर्वत और उनके पूर्वज ताई हावो की पूजा करना। मगर कुछ समय बाद वहां बाहरी आक्रमण शुरू हो गया और कियान राज्य ने दूसरे राज्यों के साथ मिलकर चेंग महाराज के राज्य पर कब्जा कर लिया। महाराज, 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 महाराज की जय हो। सेनापति गोंग। महाराज। सेनापति रेन। महाराज। महामंत्री हान। महाराज। मेरी जान। पापा। याओ। इंतजार करने के लिए माफी चाहता हूं। महाराज, महाराज आपको परेशान करने के लिए माफी चाहता। कोई बात नहीं, औषधि लाओ। ये लीजिए। शुक्रिया, शुक्रिया महाराज। महाराज, महाराज, जाओ के महाराज की मृत्यु हो गई है। कियान के सैनिकों ने लियोई पर हमला कर राजधानी को अपने कब्जे में ले लिया है। ये तो बहुत अच्छा हुआ। चेंग महाराज का जुनायु साम्राज्य पर कब्जा था और चेंग राज्य पीढ़ियों से मेंग पर्वत की रखवाली और पूजा करता था। तुम्हारे लिए हम झाऊ के महाराज का शुक्रिया अदा करते हैं। कुर्बानी की तैयारी करो। स्वर्ग के देवता,
धरती के देवता। महाराज जऊ को नमस्ते करें, उनके सामने अपने घुटनों को झुका के बैठे। कौन हो तुम? मैं युंग नाम का तलवारबाज हूं, जुनायु महाराज को यात्रा पर ले जाने आया हूं। मुझे नहीं पता तो मैं क्यों जाऊं? अगर मरना नहीं चाहते हो तो चलना होगा। जुनायु महाराज तकलीफ के लिए माफी चाहूंगा। तुम्हें घुसपैठ हो, फंसाने की कोशिश मत करो। भाग जाओ। महाराज करो, पकड़ लो उसे। महाराज आप महारानी को बचाइए, इसे हम देख लेंगे। उसे मारो मत, आप चिंता मत कीजिए, चलो। उसे जाने दो, शहर का फाटक खोल दो और सैनिकों को हटा दो, उसे बचने का मौका दिया जाए। मुझे बताओ, कल रात तुम डर गई थी ना? चिंता मत करो महाराज, हत्यारा भाग तो नहीं गया? हमारे खबरियों के अनुसार वो शहर से निकला नहीं है। क्या आप इसका कोई समाधान सोच रहे हैं? अगर उस पर दबाव डालेंगे तो वो हम पर हमला करेगा, इसलिए उसे जाने दो। उसे भागने का मौका मिलेगा तो दिमाग में लड़ाई का ख्याल नहीं आएगा। जब आजादी झूठी साबित होती है तो दुश्मनों का मनोबल टूट जाता है। क्या आप दुश्मन को आजाद करके पकड़ेंगे? बिल्कुल, वो आपको मारना चाहते थे। दिखावा करके कटघरे में खींच लाएंगे। इन सब के पीछे जरूर कुछ बात है। अगर आपको कुछ हो गया तो गद्दी कौन संभालेगा? महाराज मैं एक औरत हूं, अब मैं आपके लिए बच्चा पैदा करने लायक नहीं। अभी यहाँ पर दहशत मची हुई है, इस राजवंश को खतरा है, उसके बाद ये बिना महाराज वाला देश बन जाएगा। मुझे दूसरी शादी के लिए विवश मत करो। क्या आपको डर है कि मैं आपको छोड़ दूंगी? महाराज कोई सैन्य के हालात का जायजा बताने आया है। महाराज हमने गुंजू राज्य को खो दिया है, अब सेना जुनायू की तरफ बढ़ रही है। सभी को अदालत में बुलाओ। जी। दुनिया की हालत ठीक क्या हो जाती है, सैनिकों को दुनिया दहलाने का आदेश दिया जाता है। जब दुनिया गलत रास्ते पर बढ़ने लगती है तो राजकुमारों पर जिम्मेदारी डाल दी जाती है। चू सेना ने लुआंज राज्य को कब्जे में लेकर महाराज को स्थलांतरित कर दिया। लुआंज राज्य में हमेशा
पूजा पाठ और युद्ध होते आया है। चू राज्य जुनायु साम्राज्य को अपने अधीन करना चाहता है। जुनायु साम्राज्य के पास उतने सैनिक और घुड़सवार नहीं है, फिर भी हम जाओ महाराज के आदेश पर मेंग की रखवाली कर रहे हैं। अगर महाराज आदेश ना दे फिर भी मर मिटने को तैयार है। महाराज, चू सैनिकों ने हमारे धरती पर आक्रमण किया है, हमें कियान राज्य से मदद मांगनी चाहिए, वो जरूर हमारी मदद करेंगे। महाराज, सेनापति गोंग ने बिल्कुल सही फरमाया, अभी भी झाओ और कियान राज्य में कुछ ताकत बची है। आप कहेंगे तो दोनों राज्यों की सेनाएं एक साथ आ सकती हैं। महाराज, शांगडांग की लड़ाई के बाद झाओ के लोग थोड़े खौफ में जी रहे हैं। कियान राज्य दोबारा प्राप्त करने के बाद राज्य की ताकत खराब हो गई है। चून सेना कियान सेना से दो बार हार चुकी है। अपनी इज्जत को वापस प्राप्त करने के लिए चून सेना इस बार जुनायु राज्य पर हर हाल में जीतने चाहेगी। कियान राज्य और झाओ राज्य से मदद मिलना मुश्किल होगा। आप दोनों सेनापति स्वर्गीय महाराज के दाएं और बाएं की तरह हैं। क्या आपको दुनिया के हालात की जानकारी नहीं? महाराज, अगर आप मदद नहीं मांगेंगे तो जुनायु खतरे में आ जाएगा। या आगे भेज दो। जी। महिला सेनापतियों को यहां से जाने को जी। महाराज, शरद पूजा आने वाली है, हमें डर है कि झाओ के राजा का पत्र नहीं आएगा। शरद पूजा में देरी नहीं होनी चाहिए, राज्यों के मदद के सिलसिले में चर्चा मत करो। साथियों, चून सैनिक जल्दी राजधानी पहुंचेंगे, कृपया जल्दी से अपना बोरिया बिस्तर बांध लें और ये राज्य छोड़ के जाएं। अगर तुम लोग जुनायु शहर छोड़ दोगे फिर चून सैनिक तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। आप चले जाइए। हम लोग अपने महाराज को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। महाराज, हम यहीं रहेंगे। हम नहीं जाएंगे, शरद पूजा तक यहीं रहेंगे। साथियों, अगर चून सैनिक दयालु है और तुम्हें कुछ नहीं करती है तो तुम वापस यहाँ आ सकते हो, और अगर चून सैनिक कियान सैनिक की तरह हिंसक होंगे तो मैं तुम सबसे अभी माफी मांगता हूँ। तुम लोग इस जगह को भूल जाना और कोई नई जगह जाकर रह लो। महाराज, हम कहीं नहीं जाएंगे। महाराज, महाराज, महाराज। सुनो, मैं इस खानदान की बहू कहलाने लायक नहीं। आप दूसरी शादी कर लीजिए और वंश आगे बढ़ाइए। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अलग नहीं हो सकता। मैंने तुम्हें वादा किया है, तुम्हारा हाथ पकड़ कर जीऊंगा और वैसे ही मरूंगा, और तुम ऐसे बेतों की बातें करना बंद कर दो। एक तो हमारे घर में हत्यारा घुसपैठ कर गया है, अगर आपको कुछ हो गया, मैं नहीं चाहती मेरी वजह से आपके खानदान का नाम मिट जाए। अगर मना करेंगे तो मैं शर्म से कभी मंदिर नहीं जा पाऊंगी। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे थोड़ा वक्त दो। मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन क्या आप चाहते हैं हजारों साल से जो पूजा होती आ रही है वो खंडित हो जाए? अगर किसी अन्य राज्य से सैनिक आ जाए तो हो सकता है यहाँ के सैनिक डर जाए और उन पर हमला ना करें, फिर यहाँ खतरा बढ़ जाएगा। अगर चून सैनिक कियान पर हमला करने के लिए सेना भेजती है तो यकीनन कई लोग मारे जाएंगे। झाओ महाराज काफी वफादार है, अगर ये वफादारी आपकी वजह से बर्बाद हो गई तो ये अच्छी बात नहीं। मेंग्यू, तुम यहाँ पर क्यों हो? मुझे माफ कर दीजिए। हाँ, मैं ही हूँ।
महारानी ऐसा चाहती है कि आप और मैं अभी तक कुंवारी हूँ, एक विनम्र परिवार से हूँ। अगर आपको हर्ज ना हो तो मैं आपको वारिस दे सकती हूँ। मैं वो महाराज, क्या पर्वत की तरफ जा रहे हैं? कुछ लोगों को गुप्त रोग होते हैं, मैं जाऊंगा और औषधि लेके आऊंगा। महारानी, सुनो, अगर तुम महाराज के लिए बच्चा पैदा करोगी तो फिंग खानदान के लिए योगदान होगा। बहन, मैं हमेशा आपकी दासी बनकर रहूंगी, पूरी जिंदगी सेवा करूंगी और आपका भरोसा जीतूंगी, आपसे प्रतिस्पर्धा करने का साहस नहीं करूंगी। मुझे विश्वास है बहन। मैं फेंग सूखी हूँ, रुकावट के लिए माफी चाहता हूँ महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। शुक्रिया महाराज। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद महाराज, धन्यवाद महाराज, शुक्रिया महाराज। ख्याल रखना महाराज। साथियों, मेंग पर्वत के नीचे एक अच्छी जगह है, तुम सब लोग वहां बस सकते हो, सब वहां जाओ। ठीक है महाराज। ठीक है महाराज, बस आप सुरक्षित ख्याल रखिएगा, आप अपने आप को सुरक्षित रखिएगा, ख्याल रखिएगा महाराज, ईश्वर आपकी रक्षा करे। महाराज, एक खबर है, जिस दूत को तियान युआन भेजा गया था उसे रास्ते में मार डाला गया। उसे ले जाओ। जी। उसका हत्यारा बहुत ही विश्वासघात की था,
डर है कि इसका आक्रमण से लेना देना नहीं है। महाराज, हत्यारा बहुत जिद्दी है, अब उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। हाँ महाराज, उस हत्यारा के पीछे जरूर कोई साजिश रहेगी। मेरे ख्याल से हमें कियान राजे से मदद मांगनी चाहिए। उस दूत को बीच रास्ते में मार डाला गया, बेशक वो किया राजे से डरते होंगे। अगर हम उनसे सहायता मांगना छोड़ दें तो हमें जीने की उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए। सही कह रहे हो। आक्रमण को रोकने के लिए सेनापति गोंग, आप कियान राजे जाकर उनकी मदद मांगिए। जी। और तुम कियान के राजा को एक खत लिख दो, सब कुछ योजना के हिसाब से हो। मंत्री हान जी, आप पहाड़ी इलाके में जाकर मदद की घोषणा कर दीजिए। ठीक है। सेनापति गोंग, मुझे लगता है कि आपने कियान राज्य में जाना चाहिए। जी। और जनरल रेन, जैसा आप कहें। तुम अपनी जिंदगी पर तरस क्यों नहीं करते हो? तुम इतने जिद्दी क्यों हो? जुनायु जू ने वांग लियो की हत्या कर दी, जाओ ली ने किंग जू की हत्या कर दी। इन हत्यारों के पीछे एक बड़ा कारण है। अगर मुझे मार देने से तुम्हें कोई बड़ी मंजिल हासिल हो जाएगी, फेंगसो की तुम्हारी हर इच्छा पूरी करने को तैयार है। बड़े अफसोस की बात है, अगर तुमने मुझे मार डाला तो तुम भी जीवित नहीं रह पाओगे। अगर तुम मेरा पीछा करना बंद कर दो तो मैं तुम्हें जीवन दान दे सकता हूँ। तुम दोबारा सोच सकते हो। महाराज ने तुम्हें दो बार बख्श दिया है, तो क्या तुम उस घटिया दुश्मन के लिए मरना चाहते हो या इस सज्जन के साथ रहना चाहते हो? मुझे किसी ने आपको मारने के लिए भेजा है, परेशानी के लिए माफ कीजिए। चलो उठ जाओ। जे गोई किसी ने मुझे मारने के लिए कहा था ताकि चून सेना को खुश कर सके। अगर मैं पर्दाफाश नहीं करता तो शायद मैं भी मर जाता। नहीं, कई लोगों ने इस राज्य को अधीन बनाने की कोशिश की। स्वर्गीय महाराज के मौत को इससे जोड़कर देखो, अगर तुम मुतावले हुए तो तुम भी मारे जाओगे। अगर यह मसले का हल नहीं हुआ तो जी ग्यू किसी और को भेजेगा और हर कोई मुझे बख्श नहीं देगा। ये बेकार है। मुझे ये करना होगा। अच्छे से सोच लो। वक्त मेरे साथ नहीं। तुम ये नहीं कर पाए तो मेरी योजना मजबूत है। कैसी योजना? ये गुप्त बात है, मैं नहीं बता सकता। तुम सेनापति गोंग जी, मेरे साथ शहर के बाहर चलो। जी। और तुम महाराज? जाने मन। ठीक है। सेनापति गोंग, रास्ते में संभल कर, अगर सेना मिल गई तो जल्दी वापस आना। जी महारानी, समझ गया। सेनापति रेन। बोलिए महारानी जी। महाराज दयालु हैं, तुम उनके साथ फेई जाओगे। अगर परिस्थिति बदल जाती है तो खुद ही फैसला कर लेना अपने हिसाब से। मैं समझता हूँ महारानी, इस बात का ध्यान रखूंगा। अलविदा। इसमें 9 बहनों की तरफ से महाराज के लिए संदेश है, उन्हें तुम खुद अपने हाथ से ले जाकर देना। जी महारानी, मैं चलता हूँ। चलो चीजें सही जा रही हैं ना? बिल्कुल नहीं। महाराज जॉन यू,
आपकी यहां आने की आखिर हिम्मत कैसे हुई? सेनापति जी, आपको ठेस पहुंचाना मेरा मकसद नहीं था। बिन बुलाए आए हैं, क्या कारण है बताइए। मैं यहां पर हत्यारे का मामला सुलझाने आया हूं। लगता है आप सब जान चुके हैं। तुम्हारे खानदान ने मेरे राज्य को अपना आधिपत्य बनाना चाहा है, लेकिन तुम लोग कभी कब्जा नहीं कर सके। इसीलिए गुप्त साजिश, एक छोटे से राज्य के रूप में हम लोग प्राचीन समय से मेंग पर्वत की पूजा करते आए हैं, और सत्ता पाना हमारा कोई इरादा नहीं है। हम तुम्हारे दुश्मन है ये जानते हुए भी मृत्यु को दावत देने क्यों आए हो? जब चुन सेना आ जाएगी, फेई सेना खुद की रक्षा कर सकती है। आप और मैं एक ही नाव में सवार है। मेरे यहाँ आने का कारण पिछली दुश्मनी भुलाकर दोस्ती का हाथ बढ़ाने का मेरा प्रस्ताव है। महाराज आप गलत हैं। महारानी जी, क्या खबर मिली जल्दी बताओ। महारानी मुझे तो कोई खबर नहीं मिली। अपनी जगह वापस जाओ। जी। जब तुम जुनायो को अपने में मिलाना चाहते हो, अगर तुम जाओ को पुनः स्थापित करने के लिए मेरे साथ लड़ना चाहते हो, तो मैं मेरा शहर तुम्हारे हवाले करता हूँ, क्या कहते हो? अगर आप जुनायो छोड़ सकते हैं तो आप मेरे पास क्यों आए हैं? जी के पूर्वज लुआन साम्राज्य में बड़े बड़े मंत्री पद पर रह चुके हैं। लुआन राज्य झाओ साम्राज्य की जागीर है। जुनायु राज्य को झाओ के चेंग महाराज द्वारा गुलाम बना लिया गया था और उन्हें मेंग पर्वत की जिम्मेदारी दी गई थी। आपकी क्या राय है? महान राजा के वफादार लोग, मैं जानता हूं तुम्हारा बेटा नहीं है। अगर शहर छोड़ दिया तो मेंग पर्वत की उपासना नहीं कर पाओगे। क्या यही चाहते हैं आप? सेनापति जी, आपका एक बेटा है, सुना है कि आप उसे बहुत प्यार करते हैं। अगर उसने मेरी बेटी से शादी कर ले। हाँ बेटा तो है, पर वो बीमार और कमजोर है, एक साल से बिस्तर पे पड़ा है। भूल जाओ, अब चू की सेना आने के बाद ही बात की जाएगी। प्रिय महाराज आप यहाँ कुछ दिन इंतजार कीजिए। सैनिक, महाराज को इनके आराम कक्ष में ले जाओ और पूरा ध्यान रखना। महारानी, मुझे लगता है समय हो गया है। सेनापति रेन की सहायता करो। जी। उम्मीद है महारानी सबके लिए तैयार होंगी। तलवारबाज हमारी मदद कीजिए। Thank you.
सेनापति आप जाइए, मैं जुनायू महाराज की जान बचाने जा रहा हूँ। अपना ध्यान रखना, लापरवाही मत करना। जंगो, तुम मेरे सैनिक थे लेकिन मेरे विरुद्ध चले गए। बाहर निकलो, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। महारानी, महाराज कहाँ है? महाराज को बंधक बना लिया गया, मुझे क्षमा कर दीजिए। ये जी गोई का बेटा है, आप फैसला कीजिए। जाओ। जी। सेनापति जी, राजकुमार हमें शहर में कहीं भी नहीं मिले हैं। तुम किसी काम के नहीं हो। अगर राजकुमार को बंदी बना लिया होगा तो मैं उसकी सुरक्षा की देखभाल करूंगा। बहुत बढ़िया, मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन अगर मेरे बेटे की तबीयत खराब हुई तो मैं तुम्हारे और तुम्हारे पूर्वजों के शहर को निस्तराबूत कर दूंगा। चलो, इनको नहीं छोड़ूंगा। सेनापति जी, महाराज ने शहर छोड़ दिया है। गतिविधियों पर ध्यान रखो, अगर कोई भी बदलाव आता है तुरंत चूकी सेना को बताना। जी। मैं समझ नहीं पाया, आखिर आपने महाराज को जाने क्यों दिया? महाराज को यहां मारने से चूर सेना का विश्वास नहीं मिलता, इसीलिए छोड़ दिया। मेरा बेटा बीमार है, अगर उसे कुछ होता है तो इसका दोष पूर्ण रूप से महाराज पे जाएगा। अगर चूसेना आती है तो मुझे राज पे आक्रमण का कारण मिल जाएगा। हम महाराज के बदले राजकुमार को मांग सकते थे ना? महाराज नेक दिल आदमी है, वो मेरे बच्चे को नहीं मारेंगे। अगर मैं उन्हें यहाँ मारता हूँ तो मेरा बच्चा भी नहीं बच पाएगा। सेनापति जी, आप निश्चित हैं कि आपका बेटा वही बंधक है? जैसे ही महाराज यहाँ से जाएंगे सभी की सभी चीजें एकदम साफ हो जाएंगी। जल्दी। महाराज। महाराज, आप ठीक हैं? क्या है जी गेहूं का बेटा है? जी, वो बहुत बीमार है, उसकी हालत खराब होती जा रही है। सुनो, 9 सुइयां लेके आओ।
अगर दर्द सर से पैर तक है तो इलाज नीचे से शुरू करना होगा ताकि जहर ना बढ़े। फिर ऊपर से इलाज करना होगा जहर को रोकने के लिए। और अगर दर्द पैर से सर तक है तो पहले इलाज ऊपर करना होगा ताकि जहर ना बढ़े। फिर नीचे से इलाज करना होगा जहर को रोकने के लिए। उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। कल मैं सुबह पहाड़ी पर जाऊंगा औषधि लाने के लिए, जिससे वो ठीक हो जाएंगे। जी गुनी इतना महान नहीं, शायद आप भूल रहे हैं उसने क्या किया था। तुम दूरदर्शी नहीं हो। हमने तब हमला किया जब वो तैयार नहीं थे। एक असली योद्धा ऐसे नहीं करता। राजकुमार को एक बीमारी है, हम उन्हें ऐसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। मेरे पिताजी की मौत की वजह मुझे पता नहीं, तो किसी निष्कर्ष पर मत पहुंचो। आप बहुत ही उदार हैं। उसका इरादा बुरा है, अगर वो कुछ छल करता है तो बहुत कुछ बुरा हो जाएगा। तुम्हारे इस मदद के लिए शुक्रिया। काश कि मैं आपको कोई बारिश दे पाती तो आपकी सारी मुश्किल खत्म हो जाती। सुनो महाराज, आप आराम कर लीजिए। महाराज, कोई भी व्यक्ति हमेशा महान और अमीर नहीं रह सकता। चीजों को करने का कोई निश्चित उदाहरण नहीं होता। सच्चा संत कभी किसी बात पे सहमति नहीं देता और ना ही असहमति देता है। संत कुछ भी सुनने ना सुनने से ऊपर होता है। ये दुनिया अनेकता में एकता है। चीजें अलग अलग होकर भी एक ही होती हैं और कई बार एक ही चीज अलग अलग उदाहरण देती है। संत समय और स्थिति को समझता है और उसी हिसाब से विश्व को मार्गदर्शन देता है, किंतु मूर्ख धारा विरुद्ध चल के परेशानियां खड़ी करता है। गुइगो को निर्देश देने के लिए शुक्रिया। बचाने के लिए शुक्रिया। यहां आराम करो। जी कोई तुम्हें वापस बुला लेता, लेकिन उसने अपने बेटे को नजरअंदाज किया। ये विश्वास नहीं होता। एक शेर भी अपने बच्चे को नहीं खाता है। जी कोई के दिमाग में क्या है कोई नहीं जानता। उसके पीढ़ियों ने जुनायु पर कब्जा करना चाहा। जब वो पहली बार हम पर आक्रमण करना चाहा, तो कौंग कियान ने उसे हारने पर विवश किया, उसे राज्य से निकाल दिया गया।
उसने जुनायु पर आक्रमण करना चाहा, मगर इस बार भी उसे निकाल दिया गया था। उसने शांति का समझौता कर लिया। जुनायु पर जो खतरा मंडरा रहा है उससे बच निकलना मुश्किल है। अगर मेरा भाई इस बार भी जुनायु को बचा ले तो? कियान तो खुद अपनी सुरक्षा करने के लायक नहीं है। मुझे डर है कि सेनापति गोंग वापस न लौटे। तो आपने पहले से सोच रखा है? फिर तो बिल्कुल ऐसा ही होगा। अगर तुम मेरी बात समझ रही हो, तुम कियान की मदद पाने के लिए जोर क्यों दे रही थी? जिंदगी और मौत के लिए हम यहाँ बैठकर इंतजार तो नहीं कर सकते मौत का। ऐसा कोई नहीं है जो हमेशा सम्मानित हो। ऐसा कोई नहीं है जो मंजिल तक पहुंच जाए। एक संत किसी बात के लिए यूं ही दूसरे से सहमत नहीं होते। एक संत सब कुछ नहीं सुनता है और ना ही वो कुछ सुनेगा। चून राजा जुनायु पर हमला करने वाला है। मैं कियान से सेना भेजने की उम्मीद करता हूँ। समाधान के लिए कियान राज्य के राजकुमार का एक खत है, मैं कियान के महाराज को सौंपना चाहता हूँ। चून राजा जुनायु पर हमला करने वाला है। मैं कियान से सेना भेजने की उम्मीद करता हूँ। समाधान के लिए कियान राज्य के राजकुमार का एक खत है, मैं कियान के महाराज को सौंपना चाहता हूँ। महाराज आप मुझे मार डालोगे? अगर मुझे मारना ही था तो मैंने बचाया क्यों? अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो मेरे पिताजी से सौदा कर सकते हैं, मगर मैं मर गया तो पिताजी चुप नहीं बैठेंगे। काफी कम उम्र में तुम्हें बहुत कुछ पता है। आप मुझे वापस कब भेजोगे? काफी दिनों से तुम एक बीमारी से जूझ रहे हो। अगर तुम बीमारी से मुक्ति पाना चाहते हो तो तुम्हें थोड़ी देर रुकना होगा। मैं तुम्हें बचाऊंगा। मुझे नहीं मारोगे? जो कह दिया सो कह दिया। महाराज एक खबर है। जी फेई राज्य ने चुन राज्य के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। जी गुई चुन सेना का नेतृत्व करता हुआ जुनायु की तरफ बढ़ रहा है। 9 महिला सेनापति ने आपको अपने मंत्रियों के साथ कियान राज्य पहुंचने के लिए कहा है। 3 युआन हमारी रुकावट है, उसे नष्ट कर सकते हैं। उन महिलाओं को कुछ नहीं होना चाहिए। महाराज आप नहीं जा सकते। मुझे 3 युआन जाने दीजिए, मैं उन्हें राजी करूंगा। उन्होंने अपना मन बना लिया है, सिर्फ मैं ही उन्हें मना सकता। ये राज्य आपके बिना एक दिन नहीं चल पाएगा। महाराज मैं पूरी कोशिश करूंगा 9 महिला सेनापति को लाने की। सेनापति रेन जरा रुको। सेनापति रेन शहर के सारे सैनिकों को ले जाओ। हमेशा तैयार रहना और इन महिलाओं को सुरक्षित रखना। एक जुए की पवित्र आत्मा मुझे जीवन और मृत्यु का ज्ञान दे। मुझे जीवन और मृत्यु का ज्ञान दे। एक जुए की देव पवित्र आत्मा मुझे जीवन और मृत्यु का ज्ञान दे। कियान महाराज ने आदेश दिया है कि जुनायु के महाराज और राजकुमारी कियान राज्य आ सकते हैं। सेनापति क्या कियान के महाराज नाउची का विद्रोह भूल गए? चून राज्य को जुनायु पर हमला करने का मौका मिला है। कियान जुनायु के निकट ही है। जुनायु राज्य पर कब्जा हो गया तो कियान राज्य भी मुसीबत में आ जाएगा। कियान के महाराज सेना भेजिए। जुनायु महाराज की महारानी कियान के महाराज की बहन है, आप उसे ऐसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। Ha 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 ha!
कैसा शगुन है? मैंने 3 बार देखा है, बहुत बुरा शगुन है, जीवन की बहुत कम उम्मीद है। मंत्री हान, तुम शहर से निकल जाओ। मैं यहां का मुख्य पुजारी हूं महाराज, मैं छोड़ करके नहीं जाऊंगा। महाराज, तियान युआन पर आक्रमण करने के लिए जी चुंग सेना का नेतृत्व कर रहा है। वापिस चले जाओ, तियान युआन पास को चू की सेना ने घेर लिया है। की के महाराज का आदेश है, अगर जुआन यू के महाराज अपने परिवार को लाते हैं तो हम अपने दरवाजे उनके लिए खोल देंगे। बहना। भैया, ताइवान तहस नहस हो गया। महाराज, चू की सेना ने मुझे यहाँ आपसे बात करने के लिए भेजा है। आपको कुछ कहना है तो कहिए। महाराज, आप यहाँ के रक्षक हैं, अपने मेहमानों का स्वागत कीजिए। मैं यहाँ बस अपने बेटे को लेने आया हूँ। महाराज, मुझे इसे मारने का हुक्म दीजिए। दरवाजे खोलो। अब युद्ध की घोषणा कर रहे हैं? जी नहीं। युद्ध करने का कारण? कुछ नहीं। किसी भी कारण या घोषणा किए बिना हमला क्यों करते हो? जू राज निगरानी में है, छोटे राज आपस में लड़ रहे हैं। महाराजा बहुत सम्मानित और व्यवहारिक है, लेकिन आप बाकियों की भावनाओं को नहीं समझ रहे। जुनायु देवताओं का शहर है, यह आपको पता ही होगा। जाऊ के चेंग द्वारा अधीन होने के बाद से ही जुनायु महाराजाओं का गढ़ रहा है। हमारे राज्य को पूजा पाठ करने की जिम्मेदारी दी गई है। राजवंश गुलाम था, मगर ये देवताओं की नगरी है। क्या हम पर हमला करने का कारण है? क्या विश्वासघात करने का कोई कारण है? जो एक अमीर राज्य है,
उन्होंने इस शहर को बिना लड़े जीतने का आदेश दिया है। कृपया चू सेना का विरोध न करें। अगर आप सेना को समर्पण करते हैं तो शहर में कोई घायल नहीं होगा। हमें जाओ के महाराज ने आदेश दिया था कि हम सिर्फ उनका ही कहना माने। तो क्या मैं यहाँ वापस आ सकता हूँ? जरूर, जब तुम्हारा मन करे आ सकते हो। तुमने मेरे कपड़े पहने हैं। मैं वापस आऊंगा तब लौटा दूंगा। रख लो। चलो तुम्हारे पापा के पास चले, लाओ वो औषधि दो। इसमें कुछ जड़ी बूटी है, जब तुम यहाँ से जाओगे तो कुछ दिनों तक सेवन करना। चलो। चले जाइए। सेनापति जी, कृपया। महाराज ने आपको बख्शा है, बेहतर होगा आप यहाँ से चले जाएं, क्योंकि चू की सेना आ गई तो ये सोना तो नहीं मिलने वाला। आपकी 8 बहनें अभी भी चू सेना के अधिपति में हैं। महाराज एक बार और जरूर सोच ले, कल चू की सेना शहर की दीवारों को तोड़ देगी और सब खत्म। चलो चले। पिताजी, तुम चल सकते हो। महाराज ने मुझे ठीक किया। मैंने राजकुमार की बीमारी को ठीक कर दिया है, इसे अब आप ले जाइए और दवाई देते रहिए। पिताजी देखिए। चलो चले। तुम्हें नुकसान पहुंचाया? नहीं पिताजी, देखिए मैं दौड़ सकता हूँ। मंत्री हान जी। महाराज, शहर में जितने भी बांस के खंभे हैं उन्हें गाड़ डालो और बाकी लोगों को कह दो कि वो चले जाए। जी। सेनापति, गोंग ने कोई खबर नहीं भेजी। मुझे डर है इस बार कियान राज्य जुनाइयों को नहीं बचाएगा। सेनापति रैन, आज रात मेरी बेटी और पत्नी को शहर से बाहर की आन लेकर जाना। महाराज मुझे रहने दीजिए। और जुनायो के महाराज की उपाधि जाओ के चेंग महाराज द्वारा दी गई थी। जाओ महाराज के आदेश के बिना मैं कभी जुनायो शहर नहीं छोड़ूंगा। अब सब साथ में की आन जाए, महारानी को साथ लेकर। की आन इसे अंधे का नहीं करेगा। महाराज, ये आपने क्या किया? मेरी बहन मर गई, मेरी 8 बहनों को चून सैनिकों ने कब्जे में रखा है। मुझे नहीं पता ये सच है या झूठ। महाराज, आज रात मुझे चून सैनिकों के खेमे में घुसने दीजिए, मैं पता लगा लूंगा। वो एक जाल हो सकता है। सेनापति रैन, मत जाओ। महाराज, सेनापति, मैं भेष बदलने में माहिर हूं, मुझे जाने दीजिए। शुहू,
कियान राज्य ने पूर्वी जऊ को अपना गुलाम बना लिया है ताकि राज्य पूरी तरह बर्बाद हो जाए। भले ही लुआन राज्य गुलाम था मगर लुआन ने जुनायु को अपना गुलाम बनाकर रखा था। मगर जुनायु के पुश्तैनी मंदिर और देवताओं को पूरी तरह से ध्वस्त किया जा सकता है। जीगुई, उनकी पत्नी और बेटी को शहर से बाहर जाने दो, फिर उन्हें पकड़ लो, आत्मसमर्पण के लिए दबाव बनाओ। जी महाराज। सुना है कि जुनायु महाराज ने तुम्हारे बेटे की बीमारी ठीक कर दी है, क्या यह सच है? महाराज जी सच है। सुनो, मेरी बात सुनो महाराज। कियान पहुंचकर तुम अपना ख्याल रखना। पापा हमारे साथ चलिए। याओ, मैं अपनी फेंग खानदान की जिम्मेदारी नहीं छोड़ सकता। वहां पहुंचने के बाद अपने मां और मौसी की सुनो। महाराज, तुम याओ का अच्छा ख्याल रखना, एक दूसरे का भी रखना, अपना भी ख्याल रखना। सेनापति रेन। जी महाराज। ये तलवार जो है वो मुझे मेरे पूर्वजों ने दी थी, तो सेनापति रेन इसका स्वीकार करो। नहीं महाराज, नहीं महाराज। महाराज, मैं महारानी और राजकुमारियों की रक्षा करने की कोशिश करूंगा, आप चिंता मत कीजिए। सेनापति रेन। जी। अब तुम्हें जाना चाहिए। जी महारानी, चलिए। पापा।
सेनापति रेन, आप इन दोनों का ख्याल रखिएगा, वादा करिए। माँ, मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। बेटी, तुम्हें उनके साथ जाना ही होगा। नहीं, मुझे आपके साथ जाना है। सेनापति रेन, बहन, जाओ आप लोग। बहन, मुझे माफ कर देना। महाराज, महाराज ने मुझे छुआ तक नहीं। तो वो खून कैसा था? वो उन्हीं का खून था, उन्होंने अपनी उंगली काटी। ऐसा क्यों किया? तुमने धोखा दिया है। तुम एक धोखेबाज हो, हटो। बहन, महाराज सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, सिर्फ तुमसे। महारानी, यहां रुकना ठीक नहीं होगा। याओ को तुम्हारे हवाले करती हूं, अब से तुम्हें उसकी देखरेख करना। सेनापति रेन, इन्हें यहां से ले जाओ। माँ, चलिए चलते हैं, जल्दी कीजिए राजकुमारी, जल्दी चलिए। जानेमन, तुम वापस क्यों आई? चाहे जिंदगी हो या मौत आ जाए, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी, ये वादा किया था, याद है आपको? सुनो, अभी भी देर नहीं हुई है। रुकिए, मैं भी आपके साथ मरना चाहती हूँ। जल्दी चलो। Yeah!
सेनापति गोंग, जल्दी भागो। जनरल रेन, रेन शियन, जनायु महाराज प्रणाम स्वीकार कीजिए। प्रणाम स्वीकार किया। पूर्वी जो राजवंश पर कब्जा कर लिया गया है, लुआन राज्य भी जीत लिया है, आप पहरेदारी क्यों कर रहे हैं? आपकी वफादारी के बारे में सुना है, अगर आत्मसमर्पण करोगे तो तुम सबकी जान बख्श दूंगा। हम और हमारे पूर्वज मैंग पर्वत की पूजा करते आ रहे हैं। महाराज वुआन ने जो महाराज को जीतकर पश्चिमी जो राजवंश की स्थापना की थी उन्होंने, अब पूर्वी जो राजवंश पर कब्जा हो गया है। आपने लुआन के महाराज को निर्वासित कर दिया और उनके राज्य को अपने अपने कब्जे में कर लिया। हम लोग मैंग पर्वत की पूजा करते हैं लोगों की खुशहाली और अच्छे मौसम के लिए। ये सालों साल चलती आ रही परंपरा है, तो मुझे जो चाहिए वो मैं करता हूँ, तो मैं यहाँ से क्यों जाऊँ? अगर बात वांग महाराज की नहीं होती तो पूर्वी जो पर कब का कब्जा कर लिया होता? कियान राज्य की हिम्मत कैसे हुई उस करार को तोड़ने की, नौ तिपहिया स्मारक को वहाँ से हटाने की? हमने 700 वर्षों तक राज्य किया, पूर्वी राज्यों पर अधिपत्य हमारी नियति है। हालांकि आपको पूजा के लिए विवश किया गया, क्या आप अपनी नियति को बदल सकते हैं? मैंग पर्वत की पूजा करना एक परंपरा है और ये परंपरा काफी सालों से चली आ रही है और कोई भी राजा ये परंपरा रोक ना पाया, तो आप ये क्यों बंद करना चाहते हैं? चू राज्य को जागीरदार कहा गया, कियान की पूर्वी जो पर अधिपत्य था, तो चून ने कियान के खिलाफ एक गठबंधन बनाना चाहिए था, मगर ऐसा करने के बजाय चून ने लुआन को हमला करने का मौका दे दिया। और सच में तुम एक विद्रोही आदमी हो। चून राज्य के पूर्वजों ने जऊ महाराज को शांग के खिलाफ हमले में मदद की थी, मगर जऊ के महाराज एहसान फरामोश निकले, उसने उन्हें सिर्फ 50 एकड़ जमीन दी। प्राचीन समय में हमारे पास केंद्रीय मैदानों का भूभाग हुआ करता था। महाराज चून पर कब्जा नहीं करना चाहते थे, उन्हें गुलाम बनाना चाहते थे। जब चून पर हमला हुआ तो महाराज की चारों तरफ निंदा हुई थी और हान नदी में उनकी मौत हुई। चून राज्य बर्बाद है और वो बाकी राज्यों को दुश्मन मानता है। जब जोउ ने चून पर हमला किया था तब मिठाई का उपहार भेजना बंद कर दिया था। चून एक बर्बाद राज्य है, उन्होंने नाविकों को टूटी नाव दी इसीलिए वो डूब गए। जुनायु के महाराज की उपाधि जोउ के चेंग महाराज ने दी थी, मगर जोउ के आज्ञा के बिना हम शपथ लेते हैं कि मैंग पर्वत की रक्षा करेंगे। जुनायु महाराज, क्या तुम चाहते हो उनका सर कलम कर दिया जाए? अगर तुम घुटने टेक देते हो तो मैं तुम्हारी बहनों के शरीर वापस कर दूंगा। महाराज, इसकी बात में मत आइए। जुनायु महाराज, आकर देखो अपनी आठों बहनों के सर।
जाहुरी आपको मारना चाहता है। अगर आपको जाने दिया तो वो मेरे बच्चे को मार देगा। आप उसे लेके चले जाइए। हम पीढ़ियों से मेंग पर्वत और ताय हाओ की पूजा करते आए हैं ताकि लोगों का जीवन खुशहाल रहे और मौसम की शोभा बनी रहे, यह आशा करता हूँ। हम पीढ़ियों से मेंग पर्वत और ताई हाओ की पूजा करते आए हैं ताकि लोगों का जीवन खुशहाल रहे और मौसम की कृपा बनी रहे। जी महाराज। महारानी और राजकुमार को ले जाओ। महाराज मुझे आपके साथ रहने दीजिए। एक शासक को मंत्रियों की नियुक्ति करने के बाद उनसे विचार विमर्श करना चाहिए। मंत्रियों को समर्पित होकर अपने महाराज की सेवा करनी चाहिए। इस साल की पूजा खत्म नहीं हुई है। अगर मैंने अपना फर्ज नहीं निभाया तो मेरे पूर्वज मुझे पूरी तरह दोषी ठहराएंगे। मुझे रुकना ही होगा। आप लोग चले जाओ। सेनापति गोंग चलिए। जी महामंत्री हुआन। जी महाराज। अब जुनायु के पूजा पदाधिकारी हैं। राजकुमार का ख्याल रखना, पूर्वजों को भूलना मत। मैं मंत्री हुआंग आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूंगा। मैं आपके साथ मिलकर ये पूजा करती हूँ। महाराज अगर तुम पूजा रोक देते हो तो मैं इन्हें छोड़ दूंगा। महाराज याओ को बचा लीजिए, वो हमारी आखिरी उम्मीद है। महाराज महारानी मैं याओ की सुरक्षा के लिए असमर्थ रही। मैं आपकी अपराधी हूँ। पापा मुझे बचाइए। याओ, मैं तुम्हें बचा नहीं सकता। जिगुई अगर तुम मरना नहीं चाहते तो साबित करो। महाराज के पिता को मारने के लिए मैंने ही हत्यारा भेजा था। मैं अपना अपराध कबूल करता हूँ, जिसकी सजा मृत्युदंड है।
मारो। महाराज उनके बात मान लीजिए। महाराज जुनायो के महाराज की उपाधि जहो महाराज ने दी थी और उनके आज्ञा के बिना मैं नहीं कर सकता। मार दो। जनायू महाराज, तुम्हारी वफादारी देखते हुए मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूं। अगर तुम मेरी ईमानदारी की बात कर रहे हो तो इस ईमानदारी के बल पर तुम मुझे जुड़ क्यों नहीं जाते? साथ मिलकर पूजा करते हैं, लोगों के लिए दुआ करते हैं। शरद पूजा करके राज्य का मुझे फर्ज निभाने दो।